पाठशाला में पढ़ने से पहले हम लोग पूरा देखते थे, बाकी हमारे दोस्त भी पहनते थे। पहले हमारे बच्चे घर पे ही रहते थे, स्कूल एक बार लेके गए, उसमें क्या कहता हमारे बच्चे को, क्या कहता 5,000 रुपये भर्ती मांगने लगा एक लड़की का। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग गरीब आदमी थे, मैं नहीं भर्ती करवाए, दो बच्चे का 10,000 रुपये मैंने कहाँ से देते। हमारा नाम सैगुन खा था, अच्छा सुधार लगता है, बच्चों का गाड़ी बीनता, अब बच्चा पढ़ता है, सही लगता है, सुधार भी है। पापा का नाम लालबीर है, पापा एडोब कंपनी में काम करने जाते हैं, पोछा लगाते हैं, मम्मी भी कंपनी में। सर मैं उसकी 5 साल में पढ़ रहा हूँ, 5 साल हो गए जब मैं छोटा सा था, इतना शनिवार को ड्राइंग निकलते हैं, मैम मैं पालक में भी ले गए थे घुमाने। मैं उड़ीसा से हूँ, नोएडा में रहती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ अभी, मेरे को थैलेसीमिया है, महीने में 2 बार चढ़ता है, अगर खून खत्म हो जाता है तो मेरे को तकलीफ होती है, सीने से दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, मैं काम नहीं कर पाती। पढ़ के मैं देश की रक्षा करना चाहती हूँ, IPS बनना चाहती हूँ। जब मैं पाठशाला में आती हूँ, मैम ड्राइंग सिखाती है, इंग्लिश सिखाती है, इंग्लिश रीड करवाती है, रीडिंग हिंदी रीडिंग करवाती है, हमें ड्राइंग करवाती है और बहुत कुछ, डांस करवाती हैं और घुमाने ले जाती हैं। मेरा नाम शरीन है, मैं पाठशाला में 1 साल से पढ़ रही हूँ, आज भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हम पहले मुंबई में रहते थे, तो मुंबई में कोरोना की वजह से मेरे पापा का काम नहीं चल रहा था, इसलिए पापा नोएडा आ गए थे हम सब लोग, इसलिए फिर एक आंटी ने बताया था कि पाठशाला में एडमिशन।